जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 13 जुलाई को होने वाले प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। इस बैठक में प्रमुख नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद सीपी जोशी मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति की बैठक इस महीने आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, आज की बैठक में 13 जुलाई को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों पर चर्चा की गई है। सीपी जोशी ने आगे बताया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्य समिति की बैठक की व्यवस्थाओं पर चर्चा करना था। इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करनी जरूरी थी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक आगामी कार्य समिति की बैठक सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान प्रदेश की बृहद कार्य समिति इसी माह में होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर आज अलग अलग समितियां बनी हैं, उनके साथ बैठक हुई है और ये एक ऐसे समय व्रत कार्य समिति हो रही है जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने हैं और केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे अवसर पर व्रत कार्य समिति होनी है, इसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई जिसमें अलग अलग समितियों को काम बांटा गया। एक भव्य और दिव्य कार्य समिति हो, इसकी आज तैयारी बैठक थी। धन्यवाद।